कह रहा है राइट एन इफ स्टेटमेंट डेट प्रिंट द मैसेज द नंबर इज वैलिड इफ द नंबर टेम्परेचर इज विद इन द रेंज 50 थ्रो 100 -50 थ्रो 100। अब कह रहा है -50 से लेके थ्रो 150 तक अगर कोई नंबर इनपुट डाले तो क्या नंबर इज वैलिड है, कौन से वेरिएबल में, टेम्परेचर में। इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, प्रॉब्लम 37 है हमारा ये, तो यहाँ पे रख के मैं इसी प्रोग्राम को सेवेस कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ चैप्टर 4 प्रॉब्लम 37 के नाम से, और यहाँ पे हमने इसको प्रॉब्लम 37.cpp के नाम से हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही सेव कर दिया तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है इसको अपडेट कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लिया, सेव कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 37 डॉट। तो यहाँ पर हमें कह रहा है टेम्परेचर वेरिएबल ले लें, तो अब ग्रेड की जगह पे हम एक टेम्परेचर का वेरिएबल ले लेते हैं, तो ये टेम्परेचर का वेरिएबल ग्रेड से हमने रिप्लेस कर लिया और इनिशियल वैल्यू उसकी हमने 0 ही कर दी। अब यहाँ कह रहे हैं इंटर वैल्यू, अब कह रहे हैं इंटर टेम्परेचर, वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि टेम्परेचर ले रहे हैं, इंटर टेम्परेचर, तो यहाँ पर हमने कहा इंटर टेम्परेचर फॉर इंटर टेम्परेचर फ्रॉम -50 to 150 इंटर टेम्परेचर फ्रॉम -50 to 150 यानी माइनस से लेके इस पर डालना है। तो यहाँ पे इनपुट भी किस में ले लेंगे, हम टेम्परेचर में ले लेंगे, तो यहाँ से कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया और अब ये कह रहा है कि अब चेक कर लेते हैं, तो हम कहते हैं इफ़ टेम्परेचर यहाँ पे लिखने के बाद हम कहते हैं इफ़ टेम्परेचर कह रहा है -50 से लेके, तो -50 फ्रॉम तो ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे बस ये लिख देंगे, अगर टेम्परेचर -50 से बराबर है या उससे ऊपर है और लेस है किससे इक्वल है 150 या उससे कम है तो हमारा यही मैसेज दिखा दे, क्योंकि प्रोग्राम का मोटिव यही था। तो ये देखें, ये प्रोग्राम भी हमारा कंप्लीट हो गया और इसको भी हमने बड़े आसानी से बना लिया। सेव करते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को, देखें ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर देखने पे जैसे हमने प्रोग्राम रन किया तो हमें एक मैसेज दिखा रहा है कि एंटर टेम्परेचर फ्रॉम -50 to 150। तो हम यहाँ पे पहले लिखते हैं 5, तो जैसे ही मैंने 5 लिख एंटर किया तो उसने कहा द नंबर इज़ वैलिड, तो इसका मतलब यहाँ पर जो कंडीशन थी वो ट्रू हो गई, क्योंकि 10 -50 से बड़ा है और 150 से कम है, इसलिए हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है। तो रन करते हैं, अब कोई वैल्यू डालते हैं 150 से ऊपर की, सपोज़ 157 एंड देन इंटर किया, तो वो प्रोग्राम का कोड रन नहीं हुआ। इससे जाहिर होता है कि ये वाला कोड रन नहीं हुआ, इट मींस कि हमारा प्रोग्राम यही फॉल्स हो गया और उसने इस ब्रैकेट वाले कोड को कर दिया है बाईपास और ये आगे चला गया है। इस तरह एक और दफ़ा रन करते हैं यहाँ पे प्रोग्राम को और एक वैल्यू डालते हैं -50 से भी पहले की, -40 डालते हैं और इंटर करते हैं, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है द नंबर इज़ वैलिड, तो देखिए -50 उल्टा चलता है तो -40 की वैल्यू भी सही है और इस पर इस तरह से ये प्रोग्राम हमारा सही काम कर रहा है। ठीक है,